क्वेश्चन नंबर टू ये भी एक्सरसाइज 4.4 का है ना, क्लास 10। क्या हमारा क्वेश्चन 3x² - 4√3x + 4=0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन, 3x² - 4√3x + 4=0। यहां पे a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है -4√3 एंड c बराबर क्या है +4। ठीक है, a b और c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब a b c का वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, 4 का 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू 4, इतना हो जाएगा आप लोगों से, आसान है। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट और ये स्क्वायर कट गया, ये रूट और ये स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, इनटू 3 माइनस 4, 3 जा 12 और 12 4 जा 48। ठीक है, और यहां देखिए 16 3 जा 48 माइनस 48, तो ये कट गया ना, ये प्लस में है और ये माइनस में, कट गया क्या आ गया वैल्यू 0, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया 0, डी बराबर आ गया आपका 0। तो यहां पे दो रूट्स निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे, दो रूट्स अल्फा और बीटा, बट कंडीशन क्या रहेगा, दोनों रियल एंड इक्वल होंगे, दोनों रियल और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे इसे हम बनाते हैं, तो हम इसे फिर से बना देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस फॉर्मूला से है, और b का वैल्यू क्या है, देखिए b का वैल्यू है आपका -4 - 4√3। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर और डी का वैल्यू कितना आया है 0, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे 0 बाय 2 और a का वैल्यू 3 है तो क्या पुट करेंगे 3। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होगा +4√3 और ये प्लस माइनस रूट अंडर 0 है तो इसको सेम छोड़ देना, क्या इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, तो नीचे लिखेंगे 2 3 = 6। ठीक है, आगे देखिए इसे आप सॉल्व करते हैं, ये x का ही वैल्यू चल रहा है, आपको ये बराबर का साइन का ख्याल रखना है, जहां पे डिवाइड का साइन आता है उसी के जस्ट सेंटर पे मिला के देना आप लोगों को, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये कटेगा ना यहाँ पे 2 1 = 2 2 2 = 4 ये 2 3 = 6 तो 2/3 और ये √3। ठीक है, और ये जो 3 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और ऊपर में क्या है हमारे पास √3, तो ये कट जाएगा √3 से √3 ऊपर नीचे क्या बचेगा 2/√3। तो ये जो आया है आपका वैल्यू जो कि x का है, x का वैल्यू कितना है 2/√3, तो ये अल्फा भी यही है बीटा भी यही है सेम सेम। ठीक है, तो लिख सकते हैं हेंस अल्फा इक्वल टू 2/√3 एंड बीटा इक्वल टू 2/√3, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसे अच्छे समझ लेना, ठीक है, अगर कहीं पे डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट करके और कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।